तो कभी लोगों के चेहरे देख के आपका होता है कि आप गेज करना शुरू कर देती हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है? नहीं, वो जिन लोगों ने बहुत ज्यादा फिलर्स और बोटॉक्स कराए होते हैं तो मुझे थोड़ी सी ना सफोकेशन होने लग जाती है। तो इधर देखें, फ्रेश फेस, फ्रेश, कुछ बढ़ सकता है। आजकल तो इतनी चीजें आ गई हैं, ब्राउ लैमिनेशंस हो रही हैं, लिप स्टेंट हो रही है, हाँ लैमिनेशन फिलर्स हैं। और मैं अक्सर सैलॉन्स जाती हूँ तो इतने ज्यादा फिलर्स हुए होते हैं कि आपके लिप्स नोज तक जा रहे होते हैं। अच्छा, इतने ज्यादा, लाइक यू आर लुकिंग लाइक अ डक। और वो मतलब मुझे काफी ज्यादा वो होता है कि लाइक यार। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इनके चेहरे के अंदर क्या क्या हुआ हुआ है? मोहब्बत के अलावा और बेड़ागर्क के अलावा आप बताइए क्या क्या हुआ हुआ है? मैं देखो लैमिनेशन कराया तो मुंह तो हमारा गिला ना हुए। वो लैमिनेशन फेस पे सिर्फ शेव हुई हुई है और कुछ इसमें शेव हुई। और उसपे किस किस चीज के होने की मार्जिन है? कमरा बन सकता। नहीं नहीं, कुछ सच बताना है। सच बताइए, आपने झूठ नहीं बोलना, शरीर खुश करने ने। थोड़ी सी सेप्टोप्लास्टी हो सकती है, नोज की। नोज की, अच्छा ठीक है। थोड़ा सा आईपीआरपीबी हो सकती है बिकॉज़ उनके आई बैग्स काफी स्वॉलन से हैं। ठीक है, तो वो अगर करेंगे तो तुसी दसो कि रह की गया है। दो तीन साल मॉडलिंग आप कंटिन्यू रखेंगी, फिर उसके बाद आपका कोई एक्टिंग में जाने उसके का? उसके बाद लाइक आई विल गो फॉर कंटेंट क्रिएशन। मतलब मैं एज अ ब्लॉगर काम करूँगी। अभी लाइक मैं एज अ प्रोफेशनल मॉडल, आई वर्क फॉर डिज़ाइनर्स, आई वर्क फॉर ब्रांड्स, बट देन उस टाइम पे आई विल स्टार्ट वर्किंग एज अ कंटेंट क्रिएटर, जो ब्लॉगर्स हैं आजकल। तो उसमें कोई इंटरेस्ट है आपका? क्या टॉपिक्स पे आपका? लाइफस्टाइल, फैशन, एंड बस यही लोगों को सिखाना, हाउ टू ड्रेस अप, आपको किस तरह कलर्स को मैच करना है, मिस एंड मैच करना है। मुझे ये बताइए कि गजनफर साहब ने जो मैचिंग की हुई, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सही, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओए होए गजनफर भाई, थैंक यू। ये आपने कॉम्प्लीमेंट इससे पहले कहाँ सुना था आखिरी बार? नहीं सुना, जिंदगी में नहीं सुना। आज बैटरी डेड हुई है। क्या हुआ? What's wrong with you? सर उदास हैं, बहुत परेशान हैं, सुबह से खाया भी कुछ नहीं। कम हेयर, कम हेयर, यस कम हेयर। चौधरी, झगड़ा हो गया बीवी से? चारों से, चारों बीवियों से? चारों आई हुई है ना सर, पिछला एक हफ्ता हो गया इधर ही है। ओए होए, तो वो फिर हर दो दो घंटे बाद फड्डा होता है। ओहो, तो मैंने पूछा आज, मैंने कहा पहली शादी कैसे की आपने? लक़द तज़व्वजत मिन अब्नतिल उख्ती वालिदी। कहते वाला साहब दी सिस्टर सी ना, यानी इन्हां दी फुफो। तो वाला साहब ने कहा मैं उन्होंने जुबान दे आया, ठीक है, तो हुन शादी होनी होनी। ओके, अय्वा सुम्मा तज़व्वजत उख्ती फी खालतीहा। कहता वो फिर मेरी जी वालदा सी, उन्होंने जिद फड़ ली जी खाला दी बेटी नाल, फिर दूसरी शादी हो गई। ठीक है, तीसरी फिर क्यों हुई? लक़द तयकूनी कसीरन लिज़ा तज़व्वजत। कहते वो दोवें लड़दियां बहुत सन, तंग कर दिया सन। वो फिर तीसरी मैं लव मैरिज की थी। ओके, ते चौथी फिर किमें हुई? कानत तदयकुनी कसीरन व तज़व्वजत लिलमरत الرابعة بغضب। कहते भी वो तीसरी भी उन्होंने रल गई। अच्छा, फिर तीनों रल के तंग कर दिया सन। फिर मैंने मजबूरन चौथी कर दी। तो फिर उन चार शादियां ने, फिर उन्होंने लड़दियां ने सर। कल सेमी फाइनल होया है, आज फाइनल है। वो दोनों दोनों की जोड़ी बन गई है ना सर। आई हो या चौधरी, हाँ दो दो की जोड़ी तो मैं विच फुटबॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। वो हाँ सच है, सॉरी मैं तो देखे नहीं, भी बैठे ने मेहमान। हाँ जी, मेरा नाम है जी अजफर बिन वड़ैच, मैं साहिवाल का रहना। तारफ हो गया, उनका तारफ कराओ। अना शेख, अना मुदीर, कालिम। तो पहले कहो ना मेरा तारफ कराओ, तो खाली तारफ करेंगे हो फिर लगे मेरा ही है। शेख वजन बिन जर्रा। आपको दुबई पसंद बहुत है, ये भी मिडिल ईस्ट से हैं। दुबई बताओ भाई। हाँ जी, मतलब उनकी चार शादियां होगी है ना, चार से ज्यादा जायज ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ दुबई के बारे में जानने के लिए कह रहा हूँ, नहीं आप मुझे लड़का दिखा रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, कैफ हाल? माशाल्लाह दोस्त सिद्दीक, मियां नवाज शरीफ साहब। मालूम मालूम, माशाल्लाह सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो बहुत प्यार करते। दावत ताम लाजिम तेनंता मेरे बुर्ज खलीफा दी छत दे उत्ते रूफ टॉप ते इन्हां दा माशाल्लाह होटल है। 488 डिशां पकदी हैं सर, और एक तो एक वध के कदों आई तारीख। कहंदा जी जिहड़ी तारीख तुसीं दसोगे उस तारीख ते दावत। चलो ते दोनों انت تتكلم متى يجي؟ دسو कदों आ रहे हो? क्या बात है, शर्माए इंजीनियर जिवें अंडरटेकर दी फुफी हुंदी है हबीबी यार। इंत आई जी दुबई? ना नहीं नहीं, कहंदे भी दुबई दावत हैगी है और भी बड़े सोच के बताऊंगी। एदी भी की जिंदगी है ठाकुर साहब, रक्षे च पूरा नहीं आ सकता।